एफआईआर दर्ज कराने के लिए दर दर भटक रही महिला, नहीं मिल रहा न्याय, एसपी से लगाई गुहार। नमस्कार, एफटी लाइव में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। प्रयागराज जनपद के घोरपुर थाना क्षेत्र के बीकर गांव में विवाहित महिला की दर्दनाक कहानी, आइए हम उस पीड़ित महिला की जुबानी आपको दिखाते हैं व सुनाते हैं। पिता का नाम बताइए। सोन करणबीन। आपके साथ क्या घटना घटी है? हमारे साथ, हम बीकर से आ रहे थे, घोरपुर पहुँचे, गाँव घाट जा रहे थे, तो वहाँ पे तीन आदमी आगे से आके खड़े थे, हमको मालूम नहीं था, तो लोग पकड़ लिए, हमको बेहोश कर दिए, बेहोश करके बाइक में बैठा लिए, चारपहिया में बैठा के लेके चले गए, हमको मालूम नहीं था कहाँ ले जा रहे थे। 8 दिन तक अंधेरे कमरे में रखे थे, फिर उसके बाद खाना पानी देते थे रात को, फिर उसके बाद हमारे संग शराब पी पी के बलात्कार करते थे। आपके साथ क्या घटना घटी है ये बताइए, आपके साथ क्या किया? हमारे साथ रेप किए हैं सर। कितने लोग थे? 3 लोग। नाम क्या थे? मनीष, अनीस, लल्लन। कितने दिन तक आपको रखते थे? 3 महीने। हा? 3 महीने। हाँ, मनीष। मनीष कौन है? मनीष बड़गोहना का है। हाँ, रामलाल अकबिन। पिता का नाम है? सोन करणबीन। आखिर महिला के साथ क्या सचमुच गैंगरेप हुआ है जो कि पीड़ित महिला बयान कर रही है? आखिरकार घोरपुर थाना की पुलिस क्यों नहीं कर रही है एफआईआर दर्ज और क्यों महिला को जाना पड़ रहा है एसपी व डीआईजी के पास न्याय की गुहार लगाने? क्यों नहीं मिला अभी तक न्याय? पुलिस प्रशासन को एफआईआर दर्ज कर लेना चाहिए या नहीं? आखिर पीड़ित महिला कब तक पुलिस प्रशासन के पीछे भागती रहेगी? जिस प्रकार से पीड़ित महिला बयान कर रही है और न्याय के लिए भटक रही है, ऐसे मामले बहुत देखने को मिलते हैं। लोग थानों के चक्कर काटते काटते थक जाते हैं और मजबूर होकर आत्महत्या कर लेते हैं। अगर जल्द से जल्द महिला की एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो पीड़ित महिला कुछ भी कर सकती है, जिसके जिम्मेदार घोरपुर थाना के इंचार्ज व प्रयागराज पुलिस होगी। एफटी लाइव के लिए संवाददाता सुशील कुमार की रिपोर्ट।